मुझे इसने गोपुरो दिया था तो नाउशी टेक्सटिंग में मेलिंग में कि भाई मैंने तेरे, तेरी कोई औकात नहीं थी मैंने तुझे गोपुरो गिफ्ट करा मैंने तेरे लिए इतना खर्चा करा आई पैसों पे आकर के होंगी एंड एट द सेम टाइम वो लड़की है you know, जो पर दिखा रही कि आप संसार जीते ना कल रात कल शाम को मेरी मम्मी को कॉल करके मेरे पास उसकी ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग यू नो एम सो सॉरी आज के बाद मम्मी मुझे एक चांस दे दो ये करूंगी वो करूंगी इवन मेरे पास इसके कल शाम के मैसेज हैं कि सॉरी बेबी माफ कर दो आज के बाद मैंने ब्रेकअप करा मैं अलग एक आज के बाद नहीं करूंगी प्लीज एक चांस दे दो जस्ट बट सोशल मीडिया पे इतना फेक कि तुम मुझे अंदर ही अंदर रहे करो कि प्लीज एक मौका दे दो और ऑनलाइन आकर के कि कि आप संसार जीते ना सब्य कितना फेक और कितना पैसा बेटा ऐसा ना रोके देख मेरे को रोके मत दिखा बेटा तू तो इतना बदनाम कर रही है ना तू तो, तू तो अपना आप तो होगी मेरे लड़के को भी तुमने बहुत परेशान करी बेटा रोके कुछ तो होने का नहीं रोके मत दिखा बेटा धमकिया भी दे रही है एक तरफ फिर माफी भी मांग रही है रोकी क्या होगा बेटा डी एंड करो रिश्ता मुश्किल है बेटा देख मैं कुछ नहीं बोलना चाह रही क्योंकि मैं भी बहुत परेशान हूँ मेरा अपना दिमाग काम नहीं कर रहा उसके पापा वहा परेशान है देख ले

ऐसे सेंटिमेंटल पोस्ट या फिर ये सब चीज नहीं कर रहा था बिकॉज आई थाड टू प्रोटेक्ट दैट वॉज माई ट्रू लव फॉर यू मैं ऑन सोशल मीडिया करके फेक एलिगेशन जस्ट टू गेन सिंपैथी पब्लिक पब्लिक से कि public के सामने एक दो बंदे टेक्स करेंगे कि भाई छोड़ दिया रियालिटी कम आ गई है you know, आप नहीं रह सकते यार उन लोगों के साथ जिन जो मतलब आपके दुश्मनों से जाकर के मिल जाए कि अगर मुझे मुझे तो ये बात डाइजेस्ट ही नहीं हो रही है कि भयंकर वो उन लोगों से जा करके कैसे मिल गई जिन लोगों से इतना सारा कॉन्ट्रोवर्सी हुआ था एंड फिर पैसा मांगना या सब कुछ करना और मेरी फैमिली को अब यूज़ करना दी एंड गाइज तो यार दिस विल बी माय एंड स्टोरी इस पूरे मैटर पर एंड लाइफ सबके पास है सब आगे बढ़ते हैं हमारा एक रिलेशनशिप था हम सुपर ग्लैड हम सुपर हैप्पी कि हम लोगों ने बहुत अच्छा टाइम बिताया बट आई नेवर थॉट कि ऐसा कुछ होगा तो प्लीज किसी को हेट मत देना आई जिस वॉन्टेड की रियालिटी भर आई किसने ब्रेकअप करा कौन किसने शादी तोड़ी और फिर सोशल मीडिया पर सिम्पैथी का ड्रामा आई कुडेंट बियर इट बिकॉज मैंने अपने माँ बाप से ना शादी की बात करके लास्ट ब्लॉग गाइज इसने अपने सारे ब्लॉग्स प्राइवेट कर दिए बट मैंने अपना लास्ट ब्लॉग शादी की डेट का डाल डाला था एंड दिस इज दी एंड आज के बाद दैट विल बी ओवर फ्रॉम माई साइड आई एम गोने रिस्पॉन्ड आई एम नॉट गोन रिस्पॉन्ड टू एनी वन एंड एनी थिंग एंड यार अब नाउ शी इज गोना पोस्ट ऑल द स्टोरीज आफ्टर लड़ाई वाली की बेबी मैं आपके घर वालों से बहुत प्यार करती हूँ मैं आपके घर वालों का रिस्पेक्ट करूंगी गाली देने के बाद शादी तोड़ने के बाद उन लोगों से मिलने के बाद जिन लोगों से ये सब कुछ कॉन्ट्रोवर्सी सबके सामने थी यू नो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड मेरे लिए मेरे माँ बाप ऊपर हैं एंड हमेशा ऊपर रहेंगे अगर जो लड़की मेरे माँ बाप को रिस्पेक्ट नहीं कर सकती जो लोग दुश्मनों से जा कर के ये सब कुछ कर सकती है अगर आप होते मेरी जगह तो क्या आप उसके साथ रहते हैं?